हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ पे है सॉफ्टटॉप का एक माइक्रोस्कोप। इसकी मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और ये मैंने मंगाया, यहाँ पे देख सकते हैं, रामराज रिपेयर टूल। आप इनसे चाहे तो मंगा सकते हैं, भोपाल में इनका फ़ोन नंबर वगैरह है। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा। तो इसको यहाँ से ओपन करके चेक कर लेते हैं एक बार, पूरा इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और पूरा फिट करके मैं आपको बताऊँगा कि क्लियरिटी कैसा है। हालांकि इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो हमने डाला है सॉफ्टटॉप के माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो इसको हम सबसे पहले यहां से ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद इसका जो टेप है इसको भी निकाल लेंगे। चलिए, ये इसके यूजर गाइड मैनुअल्स है, इसको बाजू रख देते हैं। और ये देख सकते हैं, ये इसका सबसे पहले मिल गया एक लाइट रिंग जो कि नीचे हमको लगाना होता है एलईडी। और उसके बाद माइक्रोस्कोप निकाल लेते हैं, थोड़ा उधर से कार्टून खींचना। अब यहाँ पे मिल गया एक 7x का लेंस, इस तरह से नीचे लगाते हैं, ठीक है, ये भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे दो हमको ये ऊपर के आई के पास जो लगाने की ऑप्शन रहते हैं, ये दोनों मिल गए। इसको बाजू रख लेते हैं और इसमें तो कुछ है नहीं, इसको मैं बाजू कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टैंड, जिसके अंदर हम इसका स्टैंड यहाँ पे हमको मिल गया, जो कि तीन स्क्रू वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ऐसे आप खड़ा रख सकते हैं और इसको नेक्स्ट ये आपको यूज़ करना है तो कर सकते हैं इस तरह से अलग। और मेन जो हमारा माइक्रोस्कोप है इसमें तो कुछ है नहीं, चलिए इसको भी हटा देते हैं। और इसको यहाँ पे आपको साइड में अगर आप देखोगे, यहाँ पे वन क्लिक स्टॉप इस तरह का एक स्विच होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको हमको डालना है इस तरह से। सबसे पहले ये स्क्रू थोड़ा लूज कर लेते हैं, इस तरह से डाल देंगे और उसके बाद इसको फिट कर लेना है इस तरह से, ताकि ज़्यादा हिले नहीं। कैमरा फिट करने के लिए ये आपको ऊपर से ढक्कन निकालना होगा। और दूसरा यहाँ पर भी कुछ कैप्स होते हैं, इसको भी निकालना है। निकालने के बाद इसके अंदर से हमको इस तरह से ओपन करना है। और इसमें भी यहाँ पे छोटे से स्क्रू दिए हैं, सॉफ्ट टॉप का है ये। और इसको भी यहाँ से आपको इस तरह से इसमें फिट कर देना है। और अगर यहाँ पे देखोगे सॉफ्ट टॉप का SZN717i इस तरह से लिख के हैं। अब यहाँ पे नीचे यहाँ से आपको लेंस लगाना होगा। तो लेंस लगाने के लिए हम इसको कैप निकाल देते हैं और ये हमारे पास लेंस है जो कि 0.7x का है। तो इसको हम निकालेंगे यहाँ से और सबसे पहले लेंस लगा लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। लेंस लगाने के बाद ये एक CCTV लेंस है जो ऊपर कैमरे के पास लगता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसको हमको इसमें जो लगाना है इस तरह से लगाना होता है। और यहाँ पे साइड में ओपन करने के लिए हमको एक एलन की चाहिए, यहाँ से इसको ओपन करेंगे। हालांकि हमारे पास होगी वो
या इसमें तो नहीं है तो हमारे पास से लगाते हैं। जब तक हम इसमें ये एलईडी लगा लेते हैं और इसके साथ इस तरह का एक आपको देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का नया आया है इस तरह का, बहुत अच्छा है ये। तो ये इस तरह से इसमें फिक्स करना है आपको, तो ये भी इस तरह से लग जाता है, इसमें इस तरह से फिट कर देना है क्योंकि लाइट बहुत अच्छी आएगी इसकी। और इसके लिए जो केबल यूज़ होता है इस तरह का, और इसको यहाँ पे इस तरह से फिट करना है, और यहाँ पे स्विच भी दिया गया है ऑन ऑफ के लिए, और लाइट अगर कम करना है बढ़ाना है, और यूएसबी आपको दिया है। चलिए इसको एलसीडी में सेट करते हैं और ये सीटीवी लेंस को भी उधर जाकर फिट करेंगे, कैमरा भी फिट करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि कैसा इसका क्लियरिटी है। ओ चलिए थोड़ा रख देना, ठीक है। हमारे पास जो कैमरा है रिलाइफ का कैमरा है 4K का, तो ये लगा के चेक करेंगे कैसा क्लियरिटी आता है इसमें। तो सिंपली जस्ट इसको इस तरह से फिक्स कर देना है, कैमरे का पावर केबल लगा लेंगे और HDMI कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे HDMI 2 में है ये, HDMI आ गया, HDMI 2 सेलेक्ट कर लेंगे और लाइफ का आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एक PCB रख के थोड़ा देख लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं रिलाइफ का 4K का कैमरा हम यहाँ पे लगा चुके हैं, जैसा आप देख सकते हैं HDMI और पावर केबल कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसका क्लियरिटी देख सकते हैं, कैमरे की इस तरह से क्लियरिटी है इसमें हालांकि। और एक और बोर्ड में बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं इतना अच्छा क्लियर तो दिख रहा है इसमें, सारा का सारा 4K क्लियरिटी के साथ इसमें दिया गया है। एक बार बैक साइड भी बताऊँगा, पूरा का पूरा एक सेक्शन आप देख सकते हैं अच्छे से। बाकी इसमें जूमिंग की अगर बात करें तो इस तरह से पूरा अगर आप जूम करेंगे तो ये कनेक्टर को आप जूम करके और भी तरह से जूम करके देख सकते हैं, इस तरह से एक एक पिन को अगर देखना चाहे तो जूम कर सकते हैं। बाकी तो अच्छा है क्वालिटी क्लियरिटी। एक सैमसंग वाले बोर्ड में भी बता देता हूँ आपको, मैं देख सकते हैं पावर सेक्शन पूरा का पूरा दिख रहा है इसमें। एक बार इसमें भी देख लेते हैं तो ये पूरा पावर सेक्शन आप एक ही बार में चेक कर सकते हैं, पूरा का पूरा दिख रहा है। और अगर CPU-MMC की बात करें तो यहाँ पे CPU-MMC देखने के लिए आपको थोड़ा सा इस तरह से ऊपर लेना होगा और ये दोनों CPU-MMC इस तरह से आपको दिखेंगे। तो माइक्रोस्कोप में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और क्वालिटी तो बहुत अच्छी है इसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, ब्राइटनेस अच्छा है। तो ये सॉफ्टटॉप का माइक्रोस्कोप है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी आपका मर्जी है। तो क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, थोड़ा महंगा होता है, बाकी आप लेना चाहें तो आप रामराज टूल से या कहीं से भी लीजिए, आपकी मर्जी। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था वीडियो का जो मैंने बताने की कोशिश की है आपको। वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोज़ हम टूल्स के और भी बहुत सारे रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं,
देख सकते हैं नया लाइट आ चुका है मार्केट में, इस तरह का नीचे एलईडी लाइट, छोटा सा है, बिल्कुल जगह बिल्कुल कम ले रहा है। जैसे आप देख सकते हैं रोशनी बहुत अच्छी है इसकी, ब्राइटनेस देख सकते हैं, ब्राइटनेस बहुत अच्छा है इसका क्वालिटी। तो ठीक है, इस तरह से और भी वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और अच्छे से एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना है फोन फिक्स हैदराबाद जुड़ सकते हैं। गूगल सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, फेसबुक पर सर्च करिए फोन फिक्स HYD, हमारा चैनल आप तक मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं, और आकर काम अच्छे से सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।